हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज आप देख रहे हैं एक नया व्लॉग। और वैसे ये व्लॉग पुराना है, लेकिन मैं किसी काम की वजह से काफ़ी बिजी हो गया था और मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे गांव की औरतें हैं जो कि खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर मम्मी लोग, बुआ लोग, सबके सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और ये मेरी बुआ है, इनकी बेटी की शादी है। और अब यहाँ पर भैया और मैं सब्जी बना रहे हैं। और ये भैया मुझे बता रहे हैं कि सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा सब्ज़ी बनाया नहीं है। हल्का फुल्का तो मुझे बनाना आता है, लेकिन कभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इस शादी में। अब बारात पहुँच चुकी है और ऊपर उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे फैमिली के सारे सदस्य मौजूद हैं और मैं यहाँ नीचे से उनका वीडियो बना रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ। क्योंकि ऊपर काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। और आप देख सकते हैं अब घर वालों द्वारा यहाँ पर नाच गाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अब बहन और जीजा ने भी डांस शुरू कर दिया है।
ये है दलंग और इसे हम दलंग प्रसाद भी कहते हैं, जिसे हर शुभ अवसर पर बनाया जाता है और हमारे गांव के लमाओं द्वारा इसे देवताओं को पूजा जाता है और उसके बाद इसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और यहाँ पर जो जिस परिवार में शुभ कार्य हो रहा है उस परिवार के द्वारा लमाओं को सफ़ेद ध्वजा दिया जा रहा है उन्हें सम्मानित करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे हैं। और अब यहाँ पर दूल्हे के साथ मस्ती की जा रही है और उन्हें हारमोनियम और ढोलक में डांस करना सिखाया जा रहा है। आज होनी है बहन की विदाई और यहाँ पर अभी बांटा जा रहा है शरजय, जो कि चावल है और इससे हम अपने देवताओं को पूजते हैं। सबसे पहले दुल्हन अपनी माँ को प्रणाम करेंगी और उसके बाद बाकी के रिश्तेदारों को। यहाँ पर बहन जब सबको प्रणाम कर रही है अपने मायके वालों को, तो पीछे आप देख सकते हैं उन्हें कुछ ना कुछ भेंट दिया जा रहा है, क्योंकि पीछे छोटी बहन पकड़ी है और कोई पैसे दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कोई शॉल दे रहा है, तो सब अपनी इच्छा से उन्हें शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ देते हैं और ये सब दुल्हन अपने पास रखती हैं। और जब दुल्हन विदा लेती है तब दुल्हन भी अपनी तरफ से अपनी बहनों को और यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उन्हें शगुन देती है, और दूल्हे भी अपनी शादियों को कुछ ना कुछ शगुन दे के जाते हैं। और अब हमारे वहाँ के दमे बजाने वाले दुल्हन को शगुन के तौर पे एक दराती भेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे वहाँ हर दुल्हन को किया जाता है। और यहाँ अब हमारे गाँव के लम्मा जी दूल्हे को पगड़ी पहना रहे हैं, जो कि उन्हें जातक पहनाई जाती है, और हमारे वहाँ सफ़ेद पगड़ी बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसे हम बेंटलो बोलते हैं। और अब बाकी ससुराल वाले भी दूल्हे को पगड़ी बांधेंगे और कुछ ना कुछ उन्हें शगुन के तौर पर भेंट करेंगे। अरे खाली मांसा कोई भी बदलेंगे उसमें जरा बैठे हैं।
ऐसे ऐसे कर ले पकड़ ले अब धनकोट की तैयारी हो रही है। शादी के बाद जब दुल्हन पहली बार अपने पति के साथ मायके आती है तो उसे हम धनकोट कहते हैं, लेकिन आजकल हम जो ये रिवाज है इसे हम शादी के वक्त ही पूरा कर लेते हैं ताकि वो बाद में कभी भी आराम से आ जा सके। ये हूँ मैं और मेरी गोद में है मेरी छोटी सी बुआ सिद्धि, और हम लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ दूल्हा दुल्हन और बारातियों को रोड तक पहुँचाने जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो लोग पिथौरागढ़ को चले जाएंगे। जाओ।